हाय दोस्तों, स्टिचिंग क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की नेक डिजाइन कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आप इस बेल पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले मेरा मैसेज मिल जाएगा। ब्लाउज के बैक साइड की डिजाइन कट करेंगे। तो ये मैंने बुकरम लिया है, अभी इसमें मैं आपको कटिंग बताती हूँ। जैसे बुकरम की चौड़ाई ली है मैंने 4.5 इंच। जो शोल्डर से हमको लेना है, नेक की चौड़ाई जो लेनी है 2.5 इंच लेनी है। आप चाहें तो ब्रॉड भी रख सकते हैं। और जो नेक की गहराई है वो 9 इंच तैयार में है, हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, 9.5 इंच लेंगे। सेम 9.5 इंच लेने के बाद 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और जो शोल्डर पे हमने निशान लगाया है सेम सीधी लाइन खींचेंगे। इसमें 1/2 इंच की गुलाई देंगे, जैसे राउंड शेप है। जैसे हमने राउंड में 1/2 इंच की गुलाई दे दी है तो यहाँ से सीधा ऐसे इस तरह से गुलाई करते हुए इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे। हमने गुलाई दे दिया है तो यहाँ पे हम 1 इंच के जो पट्टी रखेंगे उसका पॉइंट देते हैं, जिससे कि बराबर आएगा। इस तरह से है। अब इसको हम कपड़े में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ब्लाउज में ये इस तरह से आएगा। जैसे इस पट्टी को हम पहले लाइनिंग क्लॉथ में अटैच करेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज में लगाएंगे। ब्लाउज में लगाने के बाद इस शेप में हम ब्लाउज को कट करेंगे और फिर इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। जैसे ये बैक साइड हमने राउंड शेप रखी है और राउंड शेप के लिए और हमें इसमें ये कलर पाइपिंग डालेंगे, तो जो हमारा बुकरम कट किया है वो इस क्लॉथ पर अटैच करेंगे। जैसे मैंने बुकरम और ये कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है तैयार, इसको तैयार करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो जो हमारा नेक है अंदर की साइड, वहाँ पर हम स्टिचिंग डालते हैं। जैसे मैंने बुकरम और कपड़े में अटैच कर दिया है इस तरह से नेक। अभी जो लास्ट में यहाँ पे हम इस तरह से इसको यहाँ पर किनारे पे स्टिचिंग डालेंगे, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट करेंगे। हमने चारों तरफ स्टिचिंग डाल दी है, जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको भी कट करते हैं। जैसे हमने नेक तैयार कर लिया है, अभी हम इसको इस तरह से डबल करेंगे। अभी डबल करने के बाद अभी यहाँ का हम सेंटर है वहाँ पे ही कट देंगे। जैसे हमने यहाँ पे कट दे दिया है और सेम हम डाउन में कट नहीं देंगे, लेकिन ये चौक से एक पॉइंट दे देंगे। जैसे आपका ड्रेस सिल्क होएगा तो उसमें खिसकेगा, तो हमने इस तरह से 2 पॉइंट दे दिए। जैसे ये ब्लाउज है तो सेम ब्लाउज में भी हम पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद इसको भी इस तरह से हम एक लाइन से खींच देंगे, टाइट करेंगे। तो जैसे ये लाइन आ गई तो हम यहाँ पर भी पॉइंट दे सकते हैं, जिससे कि आपका गला एकदम करेक्ट आएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट जो हमने दिया है
ब्लाउज में, और जो हमने नेक डिजाइन में पॉइंट दिया है वो पॉइंट से पॉइंट हम एक स्टिचिंग डालेंगे। जो स्टिचिंग देनी है वो हमको यहाँ तक देनी है। जैसे कि नेक आ रहा है, हमने नेक तक लिया है और ये हमने खुला छोड़ा है क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे, तो यहाँ से हम कट करते हैं। जैसे हमने सेंटर में स्टिचिंग डाल दिया, जैसे कि आगे पीछे नहीं आएगा। अभी जो नेक है हम यहाँ पे अभी स्टिचिंग डालेंगे। जैसे कि हमने नेक लगा लिया पूरा राउंड में, अभी जो नेक है अंदर का वो कट करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सिलाई कपड़ा छोड़ने के बाद कट करेंगे। जैसे हमने नेक कट कर दिया है और जो बीच बीच में थोड़ा कट कर देंगे जिससे फिनिशिंग बराबर आएगी। अब ये इसी की पाइपिंग देंगे हम। तो पाइपिंग के लिए हमको इस तरह से, आप चाहे तो बड़ा भी दे सकते हैं। जैसे हमने पाइपिंग लगा के तैयार कर दिया ना, अभी हमको डोरी डालनी है। तो ये शोल्डर से 3 इंच पे हम डोरी डालेंगे, सेम 3 इंच हम ये साइड में लेंगे। और ये हमने रेडीमेड डोरी लिया है, आप चाहें तो कपड़े का भी बना सकते हैं। तो हम डोरी को यहाँ पे अटैच करेंगे। जैसे हमने ये बॉल लिया है और ये थ्रेड में डाल दिया, डालने के बाद इसको हमें एक इस तरह से एक गांठ मारेंगे। जैसे ये करने के बाद अभी जो ये एक्स्ट्रा है, हमने ये धागा लिया है तो इस धागे को हम इसके ऊपर इस तरह से लपेटेंगे। जैसे मैंने इस तरह से लपेट दिया है, अभी इसको यहाँ पर लॉक करेंगे। तो यहाँ पर 2-3 टाइम्स इस तरह से निकालेंगे जिससे कि अच्छे से लॉक हो जाएगा। जैसे हमने डोरी डाल दिया है और ये बॉल्स भी डाल दिए और डालने के बाद इस तरह से आएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।